अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सरफराज आलम और आप देख रहे हैं इस्लामिक जिक्र। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप सभी को आयतल कुर्सी की हकीकत बताने वाले हैं। इसको पढ़ने से रोजाना क्या होता है, पांच ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में बदल जाएगी जो आप सालों से वर्षों से चाहते हैं कि वो चीजें हमारी जिंदगी में बदल जाए इंशाल्लाह तबरक व तआला। लेकिन नाजरीन, उससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। नाजरीन, हमें बहुत भाई और बहुत बहन लोग कमेंट कर बताते हैं कि सरफराज भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। तो मैं ऐसे भाइयों और ऐसे बहनों के लिए दुआ तो करता ही हूं कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनके तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए, आमीन सुम आमीन। लेकिन नाजिन, कुछ ऐसी चीजें होती है जो वजीफे के जरिए भी हासिल कर लिया जाता, तो आप वजीफा जरूर किया करें। नाजिन, आयतल कुर्सी ये बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतर ये है कुरानी आयत। नाजिन, हमारे अंदाज से सारे मुसलमान भाई और बहन को याद है, जो नहीं पढ़ पाते, जिनको याद नहीं है वो सुन भी सकते हैं नेट पर जाके, यूट्यूब पर जाकर सुनकर। वो अगर रोजाना पांच मरतबा पढ़ते तो उनकी जिंदगी में पांच फवायद होंगे। नाजिन, कौन से फवायद होंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक बात याद रखें कि आयतल कुर्सी आपको तीसरे पारे में मिल जाएगा, आयतल कुर्सी तीसरे पारे में मिल जाएगा, अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहुल हय्युल क़य्यूम यहां से मिलेगा। और नाजिन, इसके फवायद, सबसे पहले फवायद ये है कि जो शख्स हर नमाज के बाद, जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, हर नमाज के बाद एक एक मरतबा पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए रहमत का दरवाजा खोल देता है, यानी उसके नामाए आमाल में बहुत सारी नेकिया लिखाना शुरू हो जाती है और उसकी जबान में तासीर दे देता है। जब जबान में तासीर दे देता है तो उसकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती है, सबसे पहली फजीलत। नाजिन, दूसरी फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स सोने से पहले, यानी जब सोने जाए, बिस्तर पर एक मरतबा पढ़कर शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ लगाकर सोता है और उसके बाद आयतुल कुर्सी को पढ़ लेता है, तो अल्लाह का एक फरिश्ता पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। ये दूसरी फजीलत थी। नाजिन, तीसरी फजीलत ये नाजिन कि अगर कोई शख्स सफर में हो और उसको शैतानी वसवसों का भय हो, यानी डर हो, वो पढ़कर सफर में निकलता हो और अपने बदन को फूक लेता हो, बांध लेता हो फूक कर, तो इंशाल्लाह तबारक व तआला वो शैतानी वसवसा उनसे दूर हो जाएगा। ये तीसरी फजीलत थी। नाजिन, चौथी फजीलत ये कि अगर आप अपने कारोबार में खैर व बरकत नहीं देखते हैं, यानी कोई बिजनेस कर रखे हैं उसमें कोई तरक्की नहीं हो रही है, तो आप चाहिए कि शुरू और आखिर में 51-51 दुरूद शरीफ लगाकर पांच मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़कर अपने कारोबार को शुरू करें, इंशाल्लाह उसी दिन से तरक्की पर जाना शुरू हो जाएगी। ये चौथी फजीलत थी। नाजिन, पांचवी फजीलत ये है कि अगर आपके घरों में बरकत नहीं है, अगर आपकी दुआ कबूल नहीं होती है, आप परेशान रहते हैं और हर जगह आप ये चाहते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, तो आप आयतुल कुर्सी को पढ़कर खूब दुआ मांगे। यकीन मानिए, इंशाल्लाह तबरक व तआला आपकी हर दुआ कबूल होगी और वो चीजें आपको मिलेगी जो आप चाहते हैं इंशाल्लाह तबरक व तआला। नाजिन, अमल जरूर करें। हमारी सोच और इस्लामिक जिक्र की सोच ये कि तमाम मुसलमान भाई और बहन नमाज के पाबंद बने, तो आप भी नमाज पढ़े और नमाज की दावत दे। अगर आपके एक हिदायत से कोई नमाज पढ़ना शुरू करता है तो आप भी इस नेकी में शामिल हो जा रहे हैं। नाजिन, बात आपको अच्छी लगी कमेंट कर बताएं, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।